हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम आपको सिक्स सेमेस्टर का एजुकेशन एसईसी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जो आपकी एजुकेशन है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में, यानी कि एसईसी में है। तो आपकी जो बुक का नाम है वो है शिक्षा में मीडिया, मीडिया इन एजुकेशन। इसमें यूनिट नंबर 1 आता है आपका संचार मीडिया और शिक्षा। इसमें आपका चैप्टर नंबर 5 आता है शैक्षिक गतिविधियों के लिए डिजिटल मीडिया प्रकार और उपयोग। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा है, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा जाके। हमने आपकी आसानी के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको लाइन वाइज ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मीडिया का क्या अर्थ होता है, पहले हम वही पढ़ते हैं कि डिजिटल मीडिया कहते किसे, क्या होता है। साथ में डिजिटल मीडिया एक स्क्रीन और एक स्पीकर के माध्यम से प्रसारित डिजिटल सूचना के माध्यमों को संदर्भित करता है। इसमें ट्रैक्स, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स भी शामिल है, जो इंटरनेट पर देखने या सुनने के लिए इंटरनेट पर प्रसारित किए जाते हैं। डिजिटल किसे कहते हैं, देखने वाली चीज़ को, सुनने वाली चीज़ को। तो जो पढ़ाई हमारी देखने सुनने वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल मीडिया बोलते हैं। डिजिटल शिक्षा भी आ गई, डिजिटल शिक्षा कहते हैं उसको। फिर आते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट इसमें आता है डिजिटल क्लासरूम। कैसे होता है डिजिटल क्लासरूम, देखिए। एक डिजिटल कक्षा एक ऐसी कक्षा को संदर्भित करती है जो पूरी तरह से प्रौद्योगिकी में डूबी हुई है। ये कक्षाएं छात्रों के सीखने को बढ़ाने के लिए शैक्षिक ऐप्स और वेबसाइट पर निर्भर करती हैं। फीडबैक लूप और तकनीकी भी डिजिटल कक्षा के महत्वपूर्ण भाग हैं। मतलब कि अब ऑनलाइन चीज़ें इतनी चल गई हैं जो बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अब पहले जूम ऐप नहीं था, लेकिन अब जब से कोविड आया था उसके बाद से जूम ऐप आने लग गया, क्योंकि बच्चे उस पर ऑनलाइन क्लास लेते हैं। हमारा जो ऐप था कॉलेज का माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप, वो किस लिए बनाया गया था कि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हो इस पर। क्योंकि पहले हमारे तो ये ऑफलाइन क्लासेस होती थी, अब ऑफलाइन स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन जब बीच में कोविड आया था तो सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा डिजिटल तकनीकी। डिजिटल तकनीकी क्या होती है वो देखिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्राप्त करने के लिए डिजिटल तकनीकी बहुत आसान है। इन उपकरणों का उपयोग मूल्य की एक सतत श्रेणी को पूर्ण उत्पन्न करने के अलावा ज्ञात राज्यों में एक ही स्विच करने के लिए किया जाता है। मतलब कि एक ही जगह से दूसरी जगह सिर्फ एक स्विच में जो यहाँ पर चीज़ें वो दूसरे राज्य में भी हो जाए। फिर आता है आपका ICT। ICT होता है, ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो एक ही क्या समूह शब्द को ये शब्द है समूह शब्द है जो तकनीकी उपकरणों और संबंधित संसाधनों जैसे संचार उपकरण के बारे में बताता है। यानी कि जो संचारों में उपकरण यूज़ हुए, यानी कि जो भी टेक्निक यूज़ हुई है उसके बारे में जो बताता है वो ICT है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा में डिजिटल मीडिया। अब शिक्षा में डिजिटल मीडिया कैसे है वो देखिए। शिक्षा में डिजिटल मीडिया को विभिन्न रूपों में मीडिया सामग्री और संचार तक पहुंचने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और उत्पादन करने की व्यक्ति की क्षमता से मापा जाता है। इस मीडिया में सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में कई डिजिटल सॉफ्टवेयर, डिवाइस और प्लेटफॉर्म शामिल हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जूम ऐप हो गया और हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप हो गया, जिसमें हम कनेक्ट हो सके एक दूसरे से। संचार के अग्रणी रूप के लिए पुस्तकों के साथ प्रसिद्धता करते हुए आज के युग में शिक्षा में डिजिटल मीडिया का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। अब जो बच्चे कॉपी पे काम लिखते थे, अब वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नोट्स पहले बच्चों को पेपर में हार्ड कॉपी में चाहिए होते, लेकिन अब वो ऑनलाइन PDF में भी हो सकते हैं। शिक्षा का यह रूप धीरे धीरे शिक्षा के उन पारंपरिक रूपों का मुकाबला कर रहा है जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। आभासी शिक्षा की शुरुआत के साथ ऑनलाइन कक्षाओं में नई डिजिटल प्लेटफॉर्म का और अधिक शामिल करने की आवश्यकता हो गई है। यानी कि जूम ऐप तो इतना बिजी हो गया है कि अब उस पर और दूसरे ऐप बनाए जा रहे हैं जिस पर हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। शिक्षा में डिजिटल मीडिया और प्रकार और उपयोग कैसे होते हैं देखिए। डिजिटल मीडिया कई अलग अलग रूपों में लेता है, जैसे कि ईमेल, वीडियो, वेबसाइट, फ़ोटो और स्लाइड शो। आईपैड और लैपटॉप जैसे उन्नत तकनीकी उपकरणों के उपयोग से प्लेटफॉर्म सबसे अधिक फायदेमंद होते हैं।
जिन्हें कई कक्षाओं में भी लागू किया गया है। एलिसन कुक सेथर द्वारा किए गए अध्ययन में छात्र ईमेल द्वारा संचार करने में अधिक सहज होते थे। ईमेल कक्षा के बाहर एक छात्र और प्रशिक्षक के साथ सीधे संचार की अनुमति देते हैं। छात्र किसी भी समय अपने पाठकों के साथ समस्याओं या प्रश्नों पर बातचीत कर सकते हैं, यानी कि जो ईमेल के द्वारा, फॉर एग्जांपल जैसे हम आज व्हाट्सएप के थ्रू कुछ भी पूछ सकते हैं अपने टीचर से कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा है, सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तो वैसे पहले क्या था, ईमेल के थ्रू पूछ सकते थे। ये छात्रों और प्रशिक्षकों को कक्षा के बाहर में संचार तकनीकी को उन्नत करने की अनुमति देता है। अब हम किसी भी एक क्वेश्चन के लिए टीचर्स के घर तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली उनसे फ़ोन पर या फिर ईमेल के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू ही पूछेंगे। नंबर वन आता है इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो एक विषय पर चर्चा करने के लिए दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मिला सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब यार कि बहुत सारे लोग दो या दो से अधिक एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप चैट्स जो होती है। दूरवर्ती शिक्षा के लिए शैक्षिक टेलीक्रॉफिंग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें कई प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप चैट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट आता है इसमें हमारा पॉडकास्ट। पॉडकास्ट से तात्पर्य एक मीडिया संचिकता से है जो कि इंटरनेट पर फीड के द्वारा प्रसारित की जाती है, जिसे कि कंप्यूटर तथा पोर्टेबल मीडिया प्लेयरों जैसे आईपैड तथा स्मार्टफोन आदि द्वारा चलाया जाता है। यानी कि पॉडकास्ट किसमें डाउनलोड होता है, आईपैड और स्मार्टफोन में। इस प्रक्रिया को पॉडकास्टिंग कहा जाता है। पॉडकास्ट बनाने तथा प्रसारित करने वाले को पॉडकास्टर कहा जाता है। अब थर्ड आता हमारा रेडियो। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए सूचना, जानकारी के लिए मनोरंजन तथा सभी तरह के प्रोग्राम का प्रसारण किया जाता है। यानी कि इसमें हमारी स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं और मनोरंजन के लिए भी होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सब आते हैं। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी ने जब पहली बार इटली में 1895 रेडियो सिग्नल भेजा और उसे सुना तो भविष्य का इतिहास वही अंकित हो गया था। अब क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, कहाँ किया था, तो आप इसको लिख सकते हैं कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, पहली बार इटली में किया था 1895 में। अब नंबर फोर्थ आता है हमारा संदेश। संदेश का अर्थ होता है पैगाम, यानी कि मैसेजेस। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप और इंफोग्राफिक। एक माइंड मैप में एक केंद्रीय विषय को लिखना और नए और संबंधित विचारों के बारे में सोचना शामिल होता है जो केंद्र से निकलते हैं, यानी कि जो माइंड मैप होता है हमारा। हमने एक चीज़ तो लिख दी लेकिन उसके बाद हमें उसके ऊपर और सोचते हैं, सोच के उसमें और केंद्र करते हैं, उसको लिखते हैं। अपने समय के शब्दों में लिखे गए महत्वपूर्ण विचारों पर ध्यान केंद्रित करके और उनके बीच संबंधों की तलाश करके आप ज्ञान को इस तरह से मैप कर सकते हैं जिससे आपकी जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और बनाए रखने में मदद मिलेगी। यानी कि नोट्स की तरह ये कि हम पहले लिख लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर हम उसके बारे में और सोचते हैं तो हमें और दो तीन पॉइंट्स याद आ जाते हैं, फिर हम उसमें वो और लिख देते हैं। सिक्स पॉइंट आता है हमारा टेलीविज़न, यूट्यूब और डिजिटल शिक्षक चैनल। अब IIT का एकलव्यू, UGC का व्यास, इग्नू का ज्ञानदर्शन एक और ज्ञानदर्शन दो के शैक्षिक चैनल चल रहे हैं, लेकिन वे किसी पाठ्यक्रम के स्क्रॉच पढ़ाई नहीं कराते हैं। अब यूट्यूब पे क्या हो गया हमारा, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल। यानी कि टेलीविज़न पे भी जो चैनल आते थे हमारे पहले, अब तो नहीं आते, अब आई थिंक मेरे को पता नहीं है कि अब आते नहीं आते, लेकिन पहले तो हमारे एजुकेशन के बहुत चैनल आते थे जिसमें बच्चे एजुकेशन यानी कि अपनी पढ़ाई करते थे। और यूट्यूब पे तो आप अभी भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब पे भी चैनल है स्टडी के, हमारा चैनल है और भी कई चैनल है स्टडी के, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिजिटल शैक्षिक चैनल। इसको यूट्यूब को ही डिजिटल शैक्षिक चैनल बोल सकते हैं। फिर सेवन्थ पॉइंट आता है हमारा वर्चुअल लैब। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान समेत देश के कुछ शीर्ष शैक्षिक संस्थानों के सहयोग में से एक आभासी प्रयोगशाला का सृजन किया गया है जहाँ छात्र विज्ञानी संबंधी प्रयोग कर सकते हैं। वर्चुअल लैब यानी कि जो लैब होते हैं हमारे, तो उसको कहाँ पे करा गया, जहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान समेत देश के कुछ शीर्ष शैक्षिक संस्थानों के सहयोग में एक ऐसे आभासी
प्रयोगशाला का सृजन किया गया है जहाँ छात्र विज्ञान संबंधी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि लैब का हमें आविष्कार किया है। पहले तो लैब नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद जब बच्चों को समझ में आने लगा कि हाँ कि अगर हम बच्चों को दिखा कर करवाएंगे तो उनको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा, तो फिर वर्चुअल लैब बनाए गए। अगर किसी छात्र को वर्चुअल लैब के माध्यम से सर्किट तैयार करना हो तो इस लैब में संबंधित विषय पर सभी उपकरण उपलब्ध हैं, मतलब कि यहाँ पे हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं। 8 पॉइंट आता है हमारा वर्चुअल टूर। एक वर्चुअल टूर एक मौजूदा स्थान का अनुकरण है जो आमतौर पर वीडियो, सीटल इमेज या 360 डिग्री इमेज के अनुक्रम से बना होता है। ये एक मल्टीमीडिया तत्व जैसे ध्वनि प्रभाव, संगीत, कथन, टेक्स्टर और फ्लोर मैप का भी उपयोग किया जा सकता है। ये टैली टूरिज्म को प्रभावित करने के लिए लाइव टेलीविज़न के उपयोग से अलग है। 9 पॉइंट आता है हमारा LMS जैसे गूगल क्लासरूम, मूडल आदि। गूगल क्लासरूम मतलब जो गूगल क्लासरूम क्या है कि हम ऑनलाइन कोविड में भी हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं बच्चे ने, तो उसमें गूगल क्लासरूम में भी ले सकते थे। गूगल क्लासरूम की सरल संरचना नए उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है जो LMS से परिचित है और उन स्कूलों के लिए भी जिनमें 500 से अधिक छात्र हैं, मतलब यानी कि 500 से अधिक बच्चे उसमें क्लास ले सकते हैं। यदि आप उन्नत तकनीकी ज्ञान से लैस हैं जो एक मॉडल LMS बेहतर सेवा दे सकता है। यदि आपको 500 से अधिक छात्रों को संयोजित करने की आवश्यकता नहीं है तो मॉडल एक बेहतर विकल्प हो सकता है। 10 पॉइंट आता है हमारा ऑनलाइन क्विज और गेम। मनोरंजन का एक रूप जो अक्सर रेडियो या टेलीविज़न पर उपयोग किया जाता है, जिसमें एक पैनल के सदस्य सवालों के जवाब देने में प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी कि ऑनलाइन क्विज और गेम्स इतने अट्रैक्टफुल चल गए हैं कि बच्चों को इतना ज्ञान उसमें इतना इंटरेस्ट हो गया है कि ऑनलाइन क्विज खेलने लग गए हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शिक्षा में डिजिटल मीडिया के लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए 1 आता है इसमें हमारा प्रिंट संसाधनों का डिजिटलीकरण। डिजिटलीकरण सूचना को डिजिटल प्रारूप से प्रभावित करने की प्रक्रिया है। इस रूप में सूचनाओं के बिट्स नामक डेटा के ऐसे तत्व इकाइयों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें अलग से संबोधित किया जा सकता है, आमतौर पर बाइट्स नामक बहुबिट समूह में। यानी कि डिजिटल के बारे में और जानना, उनके संसाधनों के बारे में जानना डिजिटलीकरण कहलाता है। 2 पॉइंट आता है हमारा डिजिटल शिक्षा संसाधनों का निर्माण। डिजिटल शिक्षा की अवधारणा। डिजिटल शिक्षा एक विकसित क्षेत्र है जो मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। ये विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन पाठ संसाधनों और छात्र को असाइनमेंट जमा करने, ऑडियो वीडियो पर मल्टीमीडिया साधनों का उपयोग आदि में संबंधित है। यानी कि आपस में कुछ भी शेयर करना, काम शेयर कर देना। हम अपना काम कैसे शेयर करते हैं, ऑनलाइन शेयर करते हैं, ऑनलाइन पार्ट शेयर कर देते हैं। अभी चैप्टर्स हमारे जो होते हैं वो ऑनलाइन, हमारी जो बुक्स होती हैं स्वेल की, हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। पहले तो हमें जाके लेकर आनी पड़ती है, अभी हमें जाके लेने के आने पड़ती है, लेकिन बच्चे पहले से ही डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। 3 पॉइंट आता है हमारा बाल केंद्रित शब्दात्मक कक्षाएँ। बाल केंद्रित कक्षाओं में शिक्षण की प्रक्रिया और शिक्षकों के संवाद का तरीका ऐसा होता है जिसमें बच्चों को भागीदारी और सहभागिता की ज़्यादा अवसर मिलते हैं। ऐसी कक्षाओं में अध्यापक बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करते हैं और बच्चों की सीखने की दिशा प्रदान करते हैं। यानी कि जो अगर उनको नहीं आता तो उनको अच्छे से खेल के माध्यम से समझाते हैं। 9 पॉइंट आता है हमारा डिजिटल शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए नीति, योजना और सरकारी पहल। सरकार द्वारा शिक्षकों का डिजिटलीकरण करने के साथ साथ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म और अध्ययन सामग्री को निःशुल्क उपलब्ध कराने पर बल देना चाहिए, यानी कि बिना पैसे के। अब कुछ ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें पैसे देने पड़ते हैं बच्चों को, तो बिना पैसे के हम करवा सकते हैं। उन्हें स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वो ऑनलाइन शिक्षा के दौर में मात्र आवश्यक बुनियादी ढांचे के अभाव को चलते पीछे ना रह सके। अब बहुत बच्चे अभी जब कोविड चला था तो बहुत बच्चे जो थे पिछड़ जाते थे, यानी कि जिनके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, जिनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, वो स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं ले पाए, तो उनकी क्या हुई, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। किसी का 1 साल बर्बाद हुआ है, किसी का 2 साल बर्बाद हुआ है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, जिनको पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। अब जो उनसे हमारी नीति योजनाएं और सरकारी पहल चली थी वो देखते हैं हम। प्रभावी विकास चला था, प्रभावी विकास क्या है वो देखिए। प्रारंभिक बाल विकास को वैश्विक विकास एजेंडा में जगह मिलने से
इससे संबंधित है प्रयासों का सवाल बनने का उपयुक्त अवसर मिला है। तंत्रिका विज्ञान में हुई अभूतपूर्ण प्रगति ने अमूल्य प्रमाण दिए हैं कि बच्चों के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला वातावरण ही उन्हें विकास, मस्तिष्क विकास सहित की नींव बनता है, यानी कि जो स्टार्टिंग से बच्चों को समझाया जाता है वही आगे चल के जो उनको वो इनके नींव बन जाता है, वही बच्चे आगे चल के सीखते हैं। अब हमारा आता है ICT स्कूल योजना। स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो माध्यमिक विज्ञान के छात्रों को सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने, उन्हें उचित ICT कौशल विकसित करने और अन्य संबंधित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्यों में दिसंबर 2004 से शुरू हो गई है। यानी कि जो हमारी ICT की योजना कब शुरू हुई है, 2004 से शुरू हुई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैश्विक शिक्षा 2030 एजेंडा। 2015 में दुनिया के नेताओं ने शिक्षा 2030 सतत विकास एजेंडा का हस्ताक्षर किया, यानी कि 2030 तक हमारी इतनी अच्छी शिक्षा एजेंडा बन जाएगा कि उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की एक सरित मार्ग और सतत विकास की शांति की नींव। क्या हमारा एजेंडा बना था, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ यानी कि बहुत आसानी से मिलने वाली बनाने की संचरित मार्ग और सतत विकास की शांति की नींव। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसमें भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहल नया परिवर्तन है। ये नीति अंतरक्षण वैज्ञानिक का कस्तुरंग की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में आधारित है। बिहार में अभी लागू नहीं हुई है, ये भी बिहार में लागू नहीं हुई है, बाकी सब देश में ही लागू हो चुकी है। इसके पॉइंट्स, मुख्य बातें कौन कौन सी इसकी देखिए। नई राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो यानी कि GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि इतनी पढ़ाई करवाएंगे बच्चों को कि हमारी जो नीति है ये बिल्कुल ही सफल बन जाए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8वीं के आगे ही शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। पहले क्या होती थी, हमें मातृभाषा नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन अब स्कूलों में 5 तक के बच्चों को मातृभाषाएँ सिखाई जाएंगी। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक अकल निमायक की परिकल्पना की गई है। शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले ही लिया गया था, लेकिन अब की बार 2020 में जारी किया गया है। तो गाइस देखिए, यहाँ जाके जो हमारा चैप्टर नंबर 5 से ही कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आया हो, हमने बहुत शॉर्ट नोट में आपको समझाने की कोशिश की थी। तो थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।